बैक टू कॉमर्स जोन और आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारी वीडियो नंबर 2 जो कि रहेगी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के साथ। लास्ट क्लास में हमने कवर किए थे कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि हर नए कॉमर्सी को जानने बहुत ही जरूरी होते हैं, जैसे कि लाइबिलिटीज, असेट्स, बैलेंस शीट्स, कैपिटल क्या होता है, असेट कितने तरह के होते हैं, लाइबिलिटीज कितनी सब कैटेगरीज की होती हैं एंड समथिंग एल्स। लेकिन इस क्लास के अंदर मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो कि उस वीडियो में नहीं थे, जैसे कि रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब रिसीट्स का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस के अंदर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे हमें पैसा रिसीव हो रहा है, मिल रहा है, उसे हम कहते हैं रिसीट्स। ये तो हम आराम से जानते ही हैं, नॉर्मल डे टू डे में भी सुन चुके हैं। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर रिसीट दो तरह की होती है, नंबर 1 रेवेन्यू रिसीट एंड नंबर 2 कैपिटल रिसीट। नाउ व्हाट इज अ रेवेन्यू रिसीट? कोई भी ऐसी रिसीट जो हर ईयर हमें रिपीटेडली उम्मीद है कि ये होनी ही होनी है, ये इनकम हमारी अर्न होनी ही होनी है। जैसे कि सपोज कीजिए हमारी एक प्रॉपर्टी है जिसकी हमें हर महीने या हर साल जो है रेंट रिसीव होती है। आप मंथली भी रिसीव कर सकते हैं और आप ईयरली भी रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि हर साल ये रेंट आनी ही आनी है। तो इस तरह के रिसीट जो एक रेवेन्यू खर्चे की होती है, यानी कि हर साल हमें रिपीटेडली उम्मीद है कि मिलनी ही मिलनी है, उन इनकम्स को हम रेवेन्यू रिसीट के अंदर कवर करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको दिया कि आपको कोई रेंट रिसीव होनी है। इसके अलावा और किस तरह के रिसीट हो सकते हैं? सपोज आपने कोई FD बना रखी है बिजनेस में ही, इन्वेस्टमेंट की तरह, जिसके ऊपर आपको पता है कि ईयरली इंटरेस्ट मुझे इसका रिसीव होना है। तो वो आपकी एक तरह की रेवेन्यू इनकम है जिसपे आपको हर साल एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रिसीव होना है। उसके अलावा आपने कोई भी ऐसी इनकम जनरेटेड आपने सोच रखी है कि हर साल वो आनी ही आनी। ये सारी चीजें जो है ये आपके रेवेन्यू रिसीट में कवर होती है। अब बात करते हैं कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती है। तो वो रिसीट्स जो कि एक बिजनेस के अंदर रेगुलर नहीं होती लेकिन कभी भी इंसिडेंटली हो सकती है, जिसके लिए आप हर साल की प्लानिंग नहीं करते। इन शॉर्ट वो रिसीट जो कि रेवेन्यू नेचर की नहीं होती, एक लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मशीनरी है जो 5-6-10 साल से आपके बिजनेस के अंदर वर्क कर रही है और आपको अब लगता है ये ऑब्सोलीट हो गई है, पुरानी हो गई, अब मुझे इसे बेच देना चाहिए। तो अगर आप उस मशीन को सेल कर देते हैं, सेल ऑफ मशीनरी, तो आपको एक अमाउंट रिसीव होगा जो कि आपको हर साल नहीं होता क्योंकि आप हर साल मशीन नहीं बेचते। तो ऐसी इनकम जो हर साल नहीं होती, यानी रेवेन्यू नेचर की नहीं होती, कभी कभार इनकम में एक नॉन रेवेन्यू रिसीट हो जाती है, उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट, राइट। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि आपने कोई इंश्योरेंस करा रखा होगा और उसका मेच्योरिटी पीरियड आ गया, तो वो इंश्योरेंस बिजनेस रिलेटेड होना चाहिए, आपका पर्सनल इंश्योरेंस नहीं। वो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसकी मेच्योरिटी आ गई, इंश्योरेंस मैच्योरिटी, इस अमाउंट को भी हम कैपिटल रिसीट के अंदर कवर करेंगे। नाउ द सेकंड रिसीट इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जो कि एक बिजनेस के अंदर रेगुलर नहीं होती, यानी कि रेवेन्यू रिसीट से उल्टी होती है। सपोज कीजिए कि आपने आपके पास एक मशीनरी है और आपके बिजनेस में वो 5-6 साल से है, 10 साल से है। अब आपको लग रहा है कि ये बहुत पुरानी हो गई है, इसकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, तो क्यों ना इसे बेच दूं। और जब आप उसे सेल करोगे तो उससे आपको एक अमाउंट रिसीव होगा, सेल ऑफ मशीनरी से। उस अमाउंट को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। या फिर और मैं एग्जांपल दूंगी कि सपोज कीजिए आपने कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है बिजनेस की ही, जो काफी साल से आप प्रीमियम भर रहे हो, और एक टाइम ऐसा आया कि वो मैच्योर हो गई और आपको उसका अमाउंट मिलना है। तो वो जो अमाउंट मिल रहा है, क्या वो हर साल मिलता है? नहीं, वो वन टाइम मिल रहा है। तो ऐसी पॉलिसी जो कि मैच्योर हो गई है, मैच्योर इन्वेस्टमेंट, जरूरी नहीं है इंश्योरेंस ही हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट है जो कि मैच्योर हो गई है और अब आप उसका लमसम अमाउंट रिसीव कर रहे हो, इसे हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। इन शॉर्ट ऐसी कोई भी अमाउंट जो कि रेवेन्यू रिसीट में कवर नहीं होती, यानी हर साल हमें नहीं मिलती, हर अकाउंटिंग पीरियड में हमें रिसीव होने की उम्मीद नहीं है, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में धप्पा की तरह हमें मिल जाती है, राइट। तो ऐसी इनकम को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट। तो आई होप बोथ द काइंड ऑफ रिसीट्स आर क्लियर टू यू ऑल। अब हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज एक्सपेंडिचर। तो जिस तरह से रिसीट्स होती हैं एक बिजनेस की इनकम,
उसी तरह से एक्सपेंडिचर होता है एक बिजनेस के खर्चे। जिस भी ट्रांजेक्शन से आपके बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा है, आपका पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो अभी जा रहा है चाहे वो अक्रूअल बेसिस पे जा रहा है, लेकिन वो खर्चा हो रहा है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर 3 कैटेगरीज के होते हैं। नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नंबर 2 कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड नंबर 3 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां पर आपको एक नया टर्म सुनने को मिल रहा है डेफर्ड, लेकिन उससे पहले हम रेवेन्यू और कैपिटल को रिपीट कर लेते हैं। जिस तरह रेवेन्यू रिसीट होती है जो हर साल हमें उम्मीद है मिलनी है, उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो हर साल हमें पता है कि ये खर्चे हर साल होते ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉय की सैलरी है जो कि जानी ही जानी है, उसके अलावा आपकी कोई रेंट है जो हर महीने या हर साल पे होनी होनी है, आपकी कंपनी का टैक्स हो गया और कोई भी ऑफिस एक्सपेंस हो गए, इसके अलावा जितने भी खर्चे जो हमें हर साल उम्मीद होती है कि ये होने ही होने हैं, कोई भी आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है, आपके गुड्स से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, वो सब कहाँ कैटेगराइज होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और उसी का उल्टा जो नॉन रेवेन्यू खर्चे हैं, जैसे कि आपकी कुछ लॉस हो गया, कोई आपने आपकी कोई आग लग गई, आपके गुड्स जल गए, चोरी हो गई, मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड खर्चा जो आपने सोचा नहीं था कि आ जाएगा, इस तरह के खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में कंसिडर करते हैं। तो ये दोनों तो आपको क्लियर हो गए, ये रेगुलर और ये इरेगुलर कभी भी किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में हो जाता है। अब बात करेंगे कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। डेफर्ड का मतलब होता है वो चीज जो कि खिंचती चली जाती है। अब सपोज करिए कि आप जो हो अपने ब्रांड की मार्केटिंग करने गए और आपने कहा भाई मुझे एडवर्टाइजमेंट के लिए मेरा कुछ 10 करोड़ का बजट है और उस एडवर्टाइजमेंट को मैं टीवी पे चलाऊंगा, रेडियो पे चलाऊंगा और हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करूंगा, जिसके अंदर ये जो मेरा पूरा बजट है वो यूज हो जाएगा। तो अब सपोज कीजिए ये बजट आपने 2022 में तय करा कि मैं 10 करोड़ रुपए अपने प्रोडक्ट के लिए लगाऊंगा, और अब क्या ये 10 करोड़ सिर्फ इसी साल के लिए यूजफुल होंगे? ये जो आप मार्केटिंग करेंगे, ये जो आप एड चलाएंगे, क्या ये सिर्फ इसी साल के लिए यूजफुल होंगे? नहीं ना, ये आपके काफी सारे अकाउंटिंग पीरियड, हो सकता है कि नेक्स्ट 5 साल तक आपका यही एड आपको और ज्यादा सेल्स ला कर दे। जितनी मार्केटिंग का पैसा आप अभी लगाओगे, वो मार्केटिंग आपको आने वाले 5 या 10 साल तक फायदा देने वाली है। तो अकाउंटिंग क्या कहता है कि ऐसे खर्चों को जो आज हम कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा हमें अगले 5 साल तक मिलने वाला है, ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू में नहीं लाकर डेफर्ड रेवेन्यू में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप सैलरी पे कर रहे हो एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय ने इस महीने काम करा, आपने सैलरी पे करी और बात खत्म। क्या इसके काम को आप फर्दर खींच सकते हो? फर्दर खींचोगे तो फिर सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर आप मार्केटिंग के लिए एक बार पैसे लगाओगे और वो उस एक बार के पैसे का जो आपको फायदा मिलेगा वो आने वाले 5 सालों के लिए मिलेगा, उसके बाद आपको अगेन मार्केटिंग में खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे जो कि खींच सकते हैं मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड तक, उसे हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट खर्च के लिए खर्च करते हो, उसके अलावा थोड़े से बड़े शब्द हो जाएंगे जो आपको नहीं पता, अगर आप एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी को शुरू करने से पहले कुछ खर्चे करते हो, उसको हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। एक कंपनी को शुरू करना आसान नहीं होता, उसके अंदर बहुत पैसा लगता है, तो वो जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है वो भी आपका एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, जिसे हम कई सालों तक जो है अपनी फर्म के अंदर निकालते रहते हैं, मतलब उससे हम इनकम जनरेट करते रहते हैं, मतलब एक बार आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे और उसका फायदा आने वाले कई साल तक लोगे। और ऐसे कई तरह के खर्चे होते हैं जो कि एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म में हमें फायदा देता है, जिसे हम इस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। क्लियर हो गई बात? इसके अलावा मैंने एक टर्म और सोचा है। अब सपोज कीजिए आपके पास जब टोटल रिसीट्स, आपने ये सारी रिसीट्स को एड अप कर लिया और इन सारी कैटेगरीज के खर्चों को एड अप कर लिया, तो आपकी जब टोटल रिसीट्स साल की मिल गई और टोटल खर्चे मिल गए, फिर आप क्या निकालोगे उससे? इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे और आप निकालोगे अपना प्रॉफिट, राइट? और लॉस, अगर आपकी रिसीट्स ज्यादा हैं खर्चों से तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है, और अगर आपके खर्चे ज्यादा हो गए हैं रिसीट से तो आपको
डेफिनेटली लॉस होने वाला है. यानी कि इन दोनों के डिफरेंस से हम एक स्टेटमेंट पे पहुंचेंगे, प्रॉफिट या लॉस, और वही होता है हमारा अल्टीमेट गोल एक अकाउंट्स को जानने का, राइट. इसके अलावा और भी काफी टर्म्स जो है जो आपको आने वाले सालों में सीखने को मिलेंगे, बट अभी एज 11th आपको इतना ही जानना जरूरी है ताकि हम फर्दर क्लासेस कंटिन्यू कर सके. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.